अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसी के साथ साथ जो है जैसे रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, तो इसका जो लेवल है बोहर का वो इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, बोहर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो पहले कभी नहीं बताई गई थी, और इसके बारे में जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर बहुत सारे पोस्टुलेट्स ऐसे भी थे जो दूसरों के मुकाबले में बहुत ही एडवांस थे। ठीक है, तो ये जो है बोहर एटॉमिक मॉडल इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है। ठीक है, और ये जो है ना एक हकीकत है। अब इससे भी एडवांस थोड़ा है, लेकिन इसने जितनी एडवांसमेंट की थी ना, जितना गैप दिया पिछली थ्योरी को, उतना गैप जो है किसी और ने नहीं दिया। ठीक है, तो बोहर का जो सबसे मेन जो है ना एक फोकस जो था वो था हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम पर। ठीक है, तो हम कहते हैं बोहर ने in 1913 बोहर, ये एक डेनिश साइंटिस्ट था, बोहर गेव हिज एटॉमिक मॉडल। एंड इसके अलावा जो है उसने क्या किया बोहर ने, ही एक्सप्लेन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बाद जो है हम कहते हैं कि जो बोहर का मॉडल है, जैसे उसने हमने कहा कि उसने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बात की, तो इसको जो है ही हैज बीन अवार्डेड, इसको फिर इस बात पे जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ही हैज बीन अवार्डेड विद अ नोबेल प्राइज इन 1922। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, अब इसने जो है जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दिया था उससे हटके था। आप जो है बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें किस तरह जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, तो ये जो है बोहर का एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या होता है कि हर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक अपने लेवल पर जो है सर्कुलेट कर रहा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा जो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं जो मूव कर रहे हैं, तो इसने क्या कहा कि सबसे पहला जो इसका पॉइंट था वो यही था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पर जो है वो घूम रहा है। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पर और एक फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। फिर जो है यहाँ पर उसको हम ऑर्बिट भी कहेंगे, शेल भी कहेंगे, एनर्जी लेवल भी कहेंगे। फिर जिसकी एनर्जी, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, अब जो है ना देख सकते हैं कि वो दूसरे पर जो है ना घूम रहा होगा, दूसरे शेल पर। ठीक है, तो इस तरह होता है। अच्छा, क्या कहा उसने, क्या कौन सा पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चक्कर लगा होता है विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक डेफिनेट अमाउंट होती है एनर्जी के पास। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो है वो एनर्जी जो है ना लूज करता रहेगा, रेडिएशन करता रहेगा, तो रेडिएट जब करेगा तो क्या होगा कि एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी, कोलेप्स कर जाएगा। तो बोहर ने कहा कि नहीं भाई, वो डेफिनेट एनर्जी के साथ जो है मूव करता रहता है, डेफिनेट एनर्जी इन अ फिक्स्ड डिस्टेंस या एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो है ना वो फासला तय कर रहा होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ हम आगे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड डिस्टेंस के साथ कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है नेक्स्ट, ये रदरफोर्ड के पॉइंट को जो है पास कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट
एनर्जी, मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, एनर्जी एज वेल एज इट रेडिएट्स इन इट्स शेल। जब तक ये अपने शेल में होगा तब तक जो है इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट नहीं करता, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, डज नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेडिएट एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा फिर जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। पहले हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो है रेडिएट नहीं करता, एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बाद में हम कह रहे हैं कि भाई रेडिएट करता है या चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, किस सूरत में वो फिर आगे बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इफ इट गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल से टू द हायर एनर्जी लेवल, लोअर से जब हायर की तरफ जाएगा ना, तब जो है ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है ये ऊपर जाएगा तो फिर किस तरह जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। चलें इसको आप नोट कर लें, फिर जो है नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आते हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी एफएससी और या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल पर है और एमकेट वालों के लिए भी बेहतरीन है, तो जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बिल्कुल शेयर करें, आप जो है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लिंक के साथ जरिए शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो चलें इसको नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। याद आते हैं अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये तीन पॉइंट थे, ये चौथा पॉइंट है, मैंने नंबर वैसे नहीं दिए थे लेकिन अभी जो है नंबर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि पीछे हमने जो है कितने पढ़े। अच्छा, चौथे में हम क्या पढ़ रहे हैं, चौथे में हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं एनर्जी रेडिएट करते हैं या इमिट करते हैं, खुद से जो है निकाल लेते हैं, ठीक है, जाया कर देते हैं खुद से एनर्जी, क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहे हैं। When इलेक्ट्रॉन करता है जो है ना इमिट करता है, जब क्या होता है, When it jumps from higher energy level to lower energy level, ठीक है, जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब इमिट करेगा। कैसे करते हैं, मैं इसका डायग्राम एक हल्का सा बना लेता हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, चलें इसको देख लें। यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये रेडिएट कर रहे हैं, इसके अलावा मैं खुद भी बना लेता हूँ। अब ये समझें कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, क्योंकि बोहर का मानना है कि वो फिक्स डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है वो एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उसको जो है किसी भी जगह पर ऐसे ही रह ले उसकी जो है ना इसको इजाजत नहीं होती, बल्कि किसी एक स्टेप पर रहता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम जो है दो ले रहे हैं, थोड़ा सा जो है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जो है आप देख लें, जो पहला हमने पॉइंट लिखा था, जो लास्ट वाला था ना पिछले बोर्ड में तीसरे नंबर पे, उसमें हमने कहा था कि जब जो है जंप करेगा या जाएगा फ्रॉम लोअर टू हायर, जब यहां से यहां पर जाएगा तो ये जो है इसको एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी मिलेगी ना, तब जो है ना ये इस तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, सही है। और जब इसको एनर्जी हम किसी भी सूरत में दे सकते हैं, एग्जांपल में मैं लिख लेता हूं हीट एक्सरेस यूवी, किसी भी तरीके से, ठीक है, हाई एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी से मतलब जब यूवी कह रहे हैं दोस्तों का तो उसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब ये हायर लेवल पर है हम कह रहे हैं कि इमिट करता है, जब इलेक्ट्रॉन ये वाला इमिट करेगा ना एनर्जी अपनी, तो ये जो है फिर नीचे आ जाएगा, हायर से जो है नीचे लेवल पे आ जाएगा जब इमिट करेगा। इसका मकसद ये है कि अगर हम इसमें 10 जाउल ऐड कर रहे हैं और इसकी जो है एनर्जी पहले से 10 जाउल है, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, तो जब 10 इसमें और ऐड हो जाएगा तो 20 पहुंच जाएगा, तो इस शेल की रिक्वायरमेंट है 10 जाउल, इस शेल की रिक्वायरमेंट है 20 जाउल।
अब जो यहाँ पे रहना चाहते हैं उसके पास 20 होनी चाहिए, 30 नहीं होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20 होगी तो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। और इस तरीके से ये वाला जो शेल है, ये वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला जो एनर्जी लेवल है, उसमें 10 जाऊ की लिमिट है, 10 जाऊ जो है ना अलाउड है, उसके अलावा जो है ना इनको परमिशन नहीं है। तो अब इसके पास 10 जाऊ था, इसको 10 जाऊ हमने इजाफी दे दिया हीट की सूरत में या एक्सरेस की सूरत में या कोई भी हमने सोर्स यूज की, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई 20, तो ये 20 की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 जाऊ वाले में। और इसके पास जो है 20 जाऊ थी, लेकिन इसने क्या किया 10 जाऊ रेडिएट कर दी, इमिट कर दी, निकाल दी, तो बाकी कितने बचे 10। तो अब 10 वाले यहाँ पे तो नहीं छोड़ेंगे ना, ये तो रिक्वायर्ड है इसके लिए 20 जाऊ। तो ये क्या करेंगे, जब इसके पास 10 है तो इसको बोलेंगे कि भाई पहले में जाओ, ठीक है, आपको यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रोड्स होते हैं ना, एक लाइन होती है जहाँ पे आप 100 से जो है ना तेज भगा सकते हैं, फिर जो है 80 किलोमीटर वाली रफ्तार वाली, फिर जो है ना उससे भी कम रफ्तार वाली लाइन होती है ना, लाइन होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह जिस रेंज में जा रहा है, जितनी उसके पास एनर्जी है उतनी रहेगी, ठीक है, चलें जी। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं भाई, एनर्जी चेंज हम कैसे पढ़ेंगे, जो एनर्जी चेंज है, चेंज इन एनर्जी जो है, अब इसके पास जो चेंज इन एनर्जी कैसे हम फाइंड करेंगे भाई, कितना फर्क आया, पहले 10 था अभी 20 है, तो 20 वाले में से 10 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना फर्क आया भाई, 10 का फर्क आया। तो जो चेंज इन एनर्जी, इसको हम कहते हैं चेंज इन एनर्जी, E2 से E1 माइनस करेंगे, ये आपके पास जो है E1 है और ये वाली जो है E2 है, इसकी जो है फिर आपके पास ये E1 होगी इसकी और ये वाली जो है E2 होगी, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपको पता है कि एनर्जी जो है हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, और बोहर का जो मॉडल है वो भी बेस करता है किस चीज पर, बोहर का मॉडल प्लैंक्स पर बेस करते हैं, प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, प्लैंक्स कॉन्सेप्ट पर बोहर एटॉमिक मॉडल बेस करता है। तो बोहर क्या कह रहा है कि भाई जैसे प्लैंक्स ने कहा था E=h𝛎, एनर्जी जो है वो बराबर है प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के, हम इसको एक बार फिर लिख लेते हैं, ये हमने टॉपिक जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था, ई जो है वो एनर्जी है और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, और फ्रीक्वेंसी ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है भाई, इसको नोट कर ले। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह जो एनर्जी चेंज होता है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम भी जो है हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके निकाल सकते हैं। जहां पे एंगुलर मोमेंटम आएगा तो आपको पता है कि जो मोमेंटम है उसको हम पी से शो करते हैं, पी बराबर है एम वी के, तो यहां पर भी जो है, और चूंकि ये जो है मोमेंटम किस तरह होता है सर्कुलर फॉर्म में, तो जो रेडियस है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कहते हैं एम वी, क्या हो जाएगा रेडियस, रेडियस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। ये जो एन है ये एन जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, कौन से नंबर पर है वही होगा, ठीक है, उसी की हम वैल्यू यहां पर लगाएंगे। एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.3434 × 10⁻³⁴ जूल इनटू सेकंड, ठीक है, 2 की वैल्यू 2 लगाएंगे, पाई की वैल्यू 3.14 आपको पता होगी, ये तो भाई बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त से पाई की वैल्यू उसको पता होती है, आपको अगर यकीन नहीं आता ना तो जिस बच्चे का जो नाम रखते हैं ना छठे दिन, तो उस वक्त उसके पास जाकर पूछ लें कि भाई पाई की वैल्यू क्या है, तो बता देगा 3.14, ठीक है। चलें जी, ये जो है आपके पास हो गया एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का फार्मूला किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये जो है बोहर ने दिया था। इसके अलावा जो है हम इसको आगे पढ़ते हैं, आप ये जो है नोट कर लें, और ये एक और बात जो है जहन में रखें कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, तो जो बोहर मॉडल है वो ज्यादातर हाइड्रोजन पर ही बेस्ड है, उसके बाद जो है इतनी उसकी स्टडी जो है नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद जो जितने भी एलिमेंट थे वो इसका साथ नहीं दे रहे थे, यूनि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो थे वो हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके अलावा हम नहीं कह सकते कि जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो बोहर की ग्रिप है वो हाइड्रोजन एटम पर बहुत ज्यादा है, और उसके फार्मूले जो है वहां पर फिक्स आते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं।
चलेंगे इसको यहां तक नोट कर लें। चलेंगे आगे जो है हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π का फार्मूला हमने अभी जो है निकाला था। तो इसमें जो बोहर है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो n है, n आपको पहले भी बताया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, हमने कहा था कि जो n जो है वो स्टेयर केस की तरह है कि आप जो है एक सीढ़ी पर, दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर रह सकते हैं, मतलब सीढ़ी के स्टेप्स पर, लेकिन किसी भी स्टेप के दरमियान में आप जो है वो नहीं रह सकते, नहीं खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरह यहाँ पे भी यही है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है या 2 है या 3 है, इस तरह सो, लेकिन इसकी वैल्यू जो है बराबर नहीं किस चीज के, 1.1 के या 1.3 के या 1.8 के, ठीक है, ये वाली वैल्यूज नहीं होंगी, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं होंगी, बल्कि एक राउंड फिगर होगा, ठीक है। तो इसके कहने का मकसद है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ना दोनों स्टेयर्स को, इस स्टेयर को देखें तो ये जो है बिल्कुल स्लाइड की तरह है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाएं, ठीक है, कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो आपको जो है मतलब कोई इशू नहीं है, खड़े होने से मुराद कि आप यहाँ पे ठहर सकते हैं, लेकिन ठहरेंगे तो नहीं क्योंकि स्लाइड है, फिर भी कहीं पे भी जो है ना रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेप्स हैं, जिस तरह कि आप या पहले स्टेप पर ठहर सकते हैं या दूसरे स्टेप पर, तो ये भी जो है एन जो है वो भी इसी तरह है, ये जो दरमियानी इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम बोहर का जो है रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर कोई सवाल है आपके पास इसके बारे में, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस आइंदा चाहिए तो आप जो है सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि आपको जो है आइंदा वाली वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।